हेलो फ्रेंड्स, मधोज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, मुंह में घुल जाने वाला लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूं और साथ में कोफ्ते के लिए मसालेदार चटपटी करी भी बनाएंगे। ये मेरी फेवरेट रेसिपी में से एक है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का मुलायम लौकी लिया है। लौकी को छील लेंगे। लौकी को छीलने के बाद मैंने इसे दो पार्ट में कर लिया है। अब इसे कद्दूकस यानी कि इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद लौकी को अपने हाथ से दबा दबा करके इसका पानी निकाल देंगे। लौकी में बहुत सारा पानी होता है, तो जितना हो सके आप उतना इसे दबा दबा के पानी निकाल दें। इस पानी को फेंकना नहीं है। इस पानी से आप चाहें तो जूस बना सकते हैं या कोफ्ते के लिए जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं। अब इसमें मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन से कोफ्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है। दो हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 15-20 लहसुन का कली जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, थोड़ा सा मैंने डाला है, थोड़ा बचा दिया है ग्रेवी में डालने के लिए। आप चाहें तो अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। दो बड़ा चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है। अब इसे मैं अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ज़रूरत होगा तो थोड़ा सा बेसन और डालेंगे इसमें। नमक भी इसमें पड़ा है, नमक की वजह से ये लौकी पानी छोड़ेगा और ये गीला हो जाएगा, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, थोड़ा सा गीला ही रखना है। एक चम्मच मैंने और बेसन इसमें मिला दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही लचीला है, गीला गीला लग रहा है, तो हमें ऐसे ही रखना है। इस तरह से रहेगा तो हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बेसन हमने ज़्यादा डाल दिया तो वो हार्ड हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बेसन उतना ही डालना है जिससे इसमें अच्छी तरह बाइंडिंग आ जाए। इसके बाद इसे एक एक करके नींबू के साइज़ का छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। इधर हमारा तेल भी मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें एक एक करके ये कोफ्ते डालेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट है तो इसे पलटने के लिए आप जल्दबाजी न करें। जैसे ही इसका नीचे से कलर चेंज होगा उसके बाद इसे पलटेंगे और पलट पलट के इसे तब तक तलेंगे जब तक इसका कलर अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसी कढ़ाई में मैं कोफ्ता का ग्रेवी तैयार करूंगी। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसे मैंने निकाल दिया है, 3-4 चम्मच ऑयल छोड़ दिया है। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाला है, एक बड़ा इलायची, एक टुकड़ा जावित्री का, 4 लौंग, 4 काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता डाला है मैंने। आधा चम्मच मैंने जीरा भी डाला है। जीरा भुन चुका है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ का पिसा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह भूनना है। जब अच्छी तरह भूनेंगे तभी ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आएगा। इसी समय इसमें मैं अदरक लहसुन मिर्च दरदरा कुटा हुआ डाल दे रही हूँ कि ये भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। तो बहुत ही अच्छे से भुनना है। जैसे ही प्याज भुन जाए इसके बाद इसमें डालेंगे मिर्च। आधा चम्मच में मिर्च डाल रही हूँ। जो हरा मिर्च था वो बहुत तीखा नहीं था इसलिए मैंने लाल मिर्च भी डाला है। आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। मैंने खड़ा मसाला भी डाला है गरम मसाले में, इसलिए एक चौथाई छोटी चम्मच डाला है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा सा मसाला भूनेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे भूनने के बाद मैं किनारे कर दे रही हूँ और इसी में डाल रही हूँ मैं एक चम्मच बेसन। बेसन को भी भून लेंगे 1-2 मिनट तक, या तो आप चाहें तो अलग से भून के इसमें डाल सकते हैं। तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक चम्मच ही डालें। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इससे क्या है, टेस्ट भी अच्छा आएगा और ग्रेवी भी गाढ़ा होगा।
बेसन भुनने के बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ का पिसा हुआ टमाटर डाल दिया है। टमाटर को भी अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक पका लेंगे। आप चाहें तो 3-4 मिनट ढक के भी पका सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे पानी, तो मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला है। इसमें जो तेज़पत्ता है इसे मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि जितना ग्रेवी में इसका फ्लेवर आना था आ चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये गाढ़ा लग रहा है। इसे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल करेंगे, इतने में और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे ढक देते हैं और ढक करके बॉयल होने देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब बारी आती है इसमें कोफ्ते डालने की। कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट बने हैं। एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। टेस्टी तो बना ही है, देखिए कितना लचीला है, सॉफ्ट है। ये ग्रेवी में 3-4 मिनट पकेगा तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, ग्रेवी में इसे 3-4 मिनट तक ही पकाना है। आप चाहें तो इसे खुले में पकाएं या ढक भी सकते हैं, तो मैंने इसे ढक दिया है। चार मिनट बाद इसे चेक करते हैं। ये देखिए हमारा कोफ्ता बनके तैयार है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। सबसे लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा कोफ्ते का। बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट कोफ्ता तैयार हुआ है। बस कोफ्ता बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि मसाला अच्छी तरह भूनना है। मसाला अच्छी तरह भूनेगा तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आएगा और कोफ्ते बहुत टेस्टी लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी ये लौकी के कोफ्ते की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नई रेसिपी में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।